हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ व्रत में खाने वाले साबूदाने की टेस्टी और यूनिक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। और फ्रेंड्स, ये स्नैक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फिर बिना देरी किए रेसिपी को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। साबूदाना का स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे साबूदाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाना ले लिया है। आप साबूदाने की क्वांटिटी अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस साबूदाने को हमें यहाँ पे लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको हम चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी और ये ग्राइंड करते समय अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और ये लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको हम भून लेंगे और ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। साबूदाना जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमें साबूदाने को ग्राइंड करना है, वरना हल्का गर्म साबूदाने को आप ग्राइंड करेंगे तो मिक्सी जार में चिपकने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना जो है अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको एक ग्राइंडर जार में डाल करके इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसमें छोटे छोटे साबूदाने के चंक्स बचे हुए हैं तो मैंने उसको अलग कर दिया है। हमें यहाँ पे आटे ही चाहिए साबूदाना का। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें यहाँ पे हम एक कटोरी इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जितना आप साबूदाना लिए थे उतनी ही पानी होनी चाहिए। और इसके बाद 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऐड किया है। इसमें से जो चीज़ आप नहीं खाते हो व्रत में वो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, व्रत वाला नमक यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे, जो आप व्रत में यूज करते हो वो ऑयल यहाँ पे यूज करें आप। इसके बाद हमें इसमें एक उबाल लाना है। जब उसमें अच्छे से उबाल आ जाए इसके बाद हम यहाँ पे साबूदाने के आटे को इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए और हम इसको पका लेंगे और इसको चलाते रहेंगे हम। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इस रेसिपी को नवरात्रि में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है। इसके बाद हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम चलते हैं चटपटी सी चटनी बनाने। चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और धनिया की पत्ती ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आप नींबू व्रत में नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है। नींबू का रस ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून इसमें फ्रेश कर्ड ऐड कर देंगे और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो हमारी चटपटी सी चटनी बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमें 4 यहाँ पे बॉइल्ड आलू चाहिए। मैंने इसको
बॉईल करके और इसका छिलका हटा करके ले लिया है। इसके बाद हम इसको आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप यहाँ पे पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वॉक से ही इसको अच्छे से मैश कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आलू जो है अच्छे से मैश हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे जो साबूदाना का डो बना करके रेडी किए थे उसको जो यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसमें ऐड करने के बाद हम यहाँ पे धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे। धनिया की पत्ती ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें आलू जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये अच्छे से रेडी हो चुका है स्नैक्स बनाने के लिए। तो अब हम हाथों में तेल लगाएंगे और इसमें से आधा हिस्सा ले लेंगे। इसके बाद हमें इसको गोल कर लेना है, अच्छे से इसको हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा चपटा करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक पॉलीथीन ले लेंगे और उस पर हमें यहाँ पे इसको रख कर के रोल करना है वरना ये चिपकने लगेगा हाथ में। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन के ऊपर रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ ऊपर से भी पॉलीथीन लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे बेलन की मदद से इसको लाइटली रोल कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है और ये बहुत आराम से रोल हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर वाली पॉलीथीन को हटा देंगे। तो यहाँ पर ये रोल होकर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाइफ पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसके साइड साइड के हिस्से को कट करके अलग कर देंगे और बच ये साइड के कटे हुए हिस्से को हम दोबारा से रीयूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ईजिली कट हो जाता है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्राइंगल शेप में इसको कट किया है और इसके बाद कट करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। और हाँ, इसके पीसेस भी आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है इसको और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ईजिली कट हो जा रहा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और क्रंची भी बहुत ज़्यादा बनता है, मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है मैंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हम गैस पे एक पैन चढ़ा लेंगे और उसमें ऑयल डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक एक करके साबुदाने के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे स्नैक्स को। और इसको हमें तुरंत टच नहीं करना है, जब ये एक तरफ से हल्का सा सिक जाए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए थोड़ा सा, तब हम इसके अच्छे से पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से जो है हल्का सा सिक चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पलट दिया है। पलटने के बाद हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मेरे चैनल पे कई सारे व्रत में खाने वाली रेसिपीज हैं, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे स्नैक को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो दूसरी बार वाला स्नैक्स आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से बड़े बड़े इसको पीसेस में कट किया है। इसके बाद हम इसको ऑयल में डाल लेंगे और एक तरफ से अच्छे से सिकने के बाद हमें इसको पलटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से सिक चुका है एक तरफ और मैंने यहाँ पे इसको पलट दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी कितना बढ़िया कलर आया हुआ है गोल्डन ब्राउन कलर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बार वाला स्नैक्स भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बाकी बचे हुए स्नैक्स को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे व्रत में खाने वाले स्नैक्स बनकर के रेडी हो चुके हैं और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टेस्टी टेस्टी साबुदाने के स्नैक्स बन करके रेडी हो चुका है, क्रिस्पी एंड क्रंची। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी, जिससे कि आप आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूनिक रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।